कोल्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मुरली और उसकी पत्नी विमला हंसी खुशी रहते थे। मुरली अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कता था। मुरली खेतों में काम किया करता था, पर गांव में दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी तो मुरली घर पर ही था। यह बारिश भी पता नहीं कब जाकर रुकेगी। बाबा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्या मैं और भैया बाहर जाकर बारिश में खेल सकते हैं? मेरी प्यारी सी बेटी, अगर तुम बारिश में गई तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बाबा, तो मैं नहीं जाऊंगी, घर पर ही भैया के साथ खेलूंगी। तभी वहाँ जीकू भी आ जाते हैं। अरे मुन्नी, क्यों अपने पिताजी को परेशान कर रही हो? जाओ जाकर खेलो। हाँ मुन्नी, चलो हम दोनों वहाँ मिलकर खेलते हैं। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। मैं सोच रहा था, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारे खेतों का क्या होगा? अगर खेतों में पानी भर गया तो हमारे खेत कहीं खराब ना हो जाए। मुन्नी के बापू, अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहेगा तभी बारिश रुकेगी। विमला, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा खेतों पर। विमला, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। अपने पिताजी को बाहर जाते देख मुन्नी और चीकू पिताजी से लिपट जाते हैं। नहीं पिताजी, हम आपको नहीं जाने देंगे। हाँ पिताजी, अभी तो आपने ही कहा था ना कि बारिश में बाहर गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। पिताजी, अब आप ही बाहर जाने लगे। मुन्नी के बापू, मत जाइए ना, जरा बाहर तो देखो, पानी घुटने तक है। पर बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। विमला, बच्चों को संभालो। इतना बोलकर मुरली बाहर चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी और पानी उसके घुटनों तक था। जब मुरली अपने खेतों पर जा रहा होता है तो उसकी नजर नदी के बांध पर पड़ती है। बांध को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि गांव की नदी का बांध मोटे मोटे पत्थरों को लगाकर बनाया हुआ था और वो टूटने वाला था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बांध तो कभी भी टूट सकता है। अगर ये बांध टूट गया तो पूरे गांव में तबाही आ जाएगी, पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं गांव के सभी लोगों को बता कर आऊँ। मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। मुरली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर मुरली क्या करता है, वो पास में पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर बांध पर लगाने लगता है, पर पानी इतना तेज था कि उन पत्थरों के बीच से भी पानी रिसने लगा। हे भगवान, मदद करो मेरी। मुरली नदी के बांध को रोक नहीं पाता है और देखते ही देखते बांध टूट जाता है और नदी का पानी तेजी से गांव में घुस जाता है। पर बांध टूटते ही मुरली उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाता है और ऊपर से पानी। मुरली की वही मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है और गांव के लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन सब के घरों में पानी भर चुका था। अरे भाइयों, अपने गांव में बाढ़ आ गई है, सभी लोग अपनी अपनी जान बचाओ। विमला अपने दोनों बच्चों को किसी ऊंची जगह पर बैठा देती है और खुद पानी में खड़ी होती है। पानी उसकी कमर तक था। मुन्नी के बापू अभी तक नहीं आए। हे भगवान, वो कहीं कोई मुसीबत में ना हो, उनकी रक्षा करना भगवान। माँ, पिताजी ने तो बोला था कि वो जल्दी घर आएंगे, पर वो तो अभी तक नहीं आए और ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ, अगर हम इस पानी में डूब गए तो? मुन्नी, ऐसा नहीं बोलते, देखना पिताजी अभी आएंगे और वो हमें बचा लेंगे। बच्चों, अब ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें ऊपर छत पर जाना होगा। विमला अपने बच्चों को छत पर ले जाती है। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था, लोगों के घर आधे आधे डूबे हुए थे। सभी लोग अपनी अपनी छतों पर पनाह ले रहे थे। कुछ लोग पानी के बीचों बीच फंसे थे और चिल्ला रहे थे मदद के लिए। कोई कोई बचाओ मुझे, अरे कोई तो मदद करो मेरे। बाढ़ में लोग इधर उधर फंसे पड़े थे और पानी तो बस बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक बच्चा पानी में गिर जाता है और तड़पने लगता है। तभी मुरली का भूत आकर उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लेता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटे, अब मैं आ गया हूँ, मैं बचाऊंगा तुम सबको। तुम भूत हो, मुझे खा जाओगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भूत है, भूत।
भूत पानी में तैरते हुए उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। उधर गांव का एक आदमी कन्हैया डूबने वाला था कि तभी वहाँ भूत आता है। तुम तो कोई भूत लगते हो, ए भगवान, एक तरफ बाल और दूसरी तरफ ये भूत, अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ मेरी मौत है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम मेरी पीठ पर आकर चढ़ जाओ। लगता है ये भूत कोई शरीफ भूत है, अभी तो अपनी जान बचाने में ही फायदा है, चाहे ये भूत ही क्यों ना बचाए। भूत कन्हैया को अपनी पीठ पर उठाकर एक ऊंचे से पेड़ पर बिठा देता है। भूत पानी में फंसे बच्चे, औरतें और बड़े बूढ़ों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर एक जगह से किसी सुरक्षित जगह ले जा रहा था। गाँव वालों का सब कुछ डूब चुका था, उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। माँ, पिताजी तो अभी तक नहीं आए, क्या मैं उन्हें जाकर ढूंढूं? इन बच्चों को कब तक दिलासा दूं? हे ऊपर वाले, उन्हें भेजता क्यों नहीं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विमला ने आते समय अपने पल्लू में थोड़े चने बांध लिए थे। बच्चों, मेरे पास तो बस यही मुट्ठी भर चने हैं। लो, तुम दोनों मिलकर इन्हें खा लो। मुन्नी चने खा ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बाढ़ के पानी में गिर जाती है। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची डूब रही है। बचाओ, बचाओ माँ, मुझे बचाओ। माँ, मैं बचाऊंगा मुन्नी को, जाने दो मुझे, जाने दो। विमला चीकू को पकड़े हुए थी कि कहीं वो भी ना गिर जाए पानी में, और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी कि अचानक वहाँ मुरली का भूत आ जाता है और मुन्नी को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेता है। भूत, भूत, अरे गाँव वालों, मेरी बेटी को बचाओ, भूत ने मेरी बेटी को पकड़ लिया। ए भूत, छोड़ मेरी बेटी को। विमला एक हाथ से चीकू को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से भूत को मार रही थी। विमला, विमला, मैं हूँ तुम्हारा पति मुरली। मैं मुरली हूँ। मेरे पति? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो खेतों पर गए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मैंने तुम दोनों से वादा किया था ना कि मैं जरूर वापस आऊंगा। देखो, मैं आ गया। विमला और दोनों बच्चों को भी यकीन हो जाता है कि वो भूत ही उनके पिताजी हैं। मुन्नी के बापू, ये कैसे हुआ? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जब मुरली घर से खेतों के लिए निकला था और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसने वो नदी का टूटा हुआ बांध देखा और वो गाँव को बचाते बचाते वहीं दबकर मर गया और भूत बन गया, सब बता देता है। उस भूत की सारी बात गांव के सभी लोग सुन लेते हैं। मुरली भाई, तुमने हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ मुरली भाई, तुम महान हो। सरपंच जी, ये सब बात करने का समय नहीं है। देखो तो जरा, तुम सबके कंधे तक पानी आ चुका है, पर अब इस गांव को मैं बचाऊंगा। पहले तो भूत अपने दोनों बच्चों को अपने दोनों कंधों पर बिठा लेता है और विमला को पीठ पर, फिर तैरते हुए दूर पहाड़ी पर उतार देता है। विमला, अब मुझे और लोगों को भी बचाना है, मुझे जाना होगा, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मुन्नी के बापू, आखिरी बार भी आप मुझसे यही बोल कर गए थे कि अपना और बच्चों का ख्याल रखो। अब जाओ, गाँव वालों को बचाओ और अपना ख्याल रखना। भूत फिर गांव में वापस आ जाता है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। अगर मैं दो दो करके अपनी पीठ पर बैठा कर इन लोगों को बचाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तभी भूत को एक उपाय सूझता है। वो भूत एक बड़े से पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को उखाड़ कर अपने कंधों पर रख लेता है। भूत बनने के बाद उसके शरीर में कई गुना ताकत बढ़ गई थी, शायद उसी वजह से भूत लोगों की मदद कर पा रहा था। सरपंच जी, आप एक काम करिए, बच्चों और औरतों को इस पेड़ पर बैठाइए जो मेरे कंधों पर है। ठीक है मुरली भाई, चलो चलो, जल्दी करो भाइयों, थोड़ी देर में ये गांव पूरा डूबने वाला है। सरपंच और बाकी लोग औरतों और बच्चों को भूत के कंधों पर रखे पेड़ पर बिठा देते हैं और वो भूत धीरे धीरे सभी औरतों और बच्चों को पहाड़ी पर छोड़ आता है, फिर बुजुर्ग लोगों को और फिर गांव के सभी आदमियों को उस ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित पहुंचा देता है। और कुछ समय बाद सरपंच नदी के बांध को एक पक्के बांध में बदलवा देता है ताकि फिर दोबारा ऐसा ना। एक गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर चुड़ैल रहती थी।
लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उस पर चुड़ैल का साया है, इसलिए लोग उस पेड़ के नीचे बैठते, आराम करते। बच्चे उस पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच खाते थे। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। अरे वाह, ये लंच का टाइम भी क्या टाइम है, सारी थकावट उतर जाती है। हो राहुल भैया, सही कहते हो आप, मैं तो पढ़ पढ़ कर बोर हो जाता हूँ। अगर लंच ब्रेक ना हो तो मैं तो कभी स्कूल ही ना आऊं। वैसे क्या लाए हो आप आज लंच में? वैसे मैं तो राजमा चावल लाया हूँ अचार के साथ। अरे वाह राहुल भैया, क्या लंच लाए हो, सुनकर ही मुँह में पानी आ गया। मुझे पता था पेटू तू जरूर मांगेगा, इसलिए मैं ज्यादा ही लाया हूँ, ये ले। फिर मुन्ना राहुल और बाकी के बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर लंच करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि चुड़ैल पेड़ के ऊपर से उन सबको देख रही होती है। अरे नीचे बच्चे क्या बातें कर रहे हैं खाने पीने की, और इस पेटू को तो देखो कैसे चटकारे लेकर खा रहा है, इसे खाते देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। उधर खाना ज्यादा होने के कारण मुन्ना और राहुल पूरा नहीं खा पाते और पेड़ के नीचे ही रखकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुड़ैल नीचे उतरती है और पड़े हुए खाने को खाने लगती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, सच में मजा आ गया। और ये अचार, वाह इतना मजा तो इंसानों के मांस और खून में भी नहीं आता था, अब तो मन कर रहा है रोज ऐसा खाना खाऊं। उसके बाद चुड़ैल वहां पड़े हुए सारे खाने को खा जाती है। अगले दिन मुन्ना और राहुल फिर लंच टाइम में लंच करने आते हैं, लेकिन जैसे ही मुन्ना खाने के लिए टिफिन खोलता है राहुल उसे बोलता है, अरे मुन्ना भाई कम से कम हाथ तो धो लो, पता है ना बिना हाथ धोए कुछ नहीं खाना चाहिए। फिर राहुल की बात सुनकर मुन्ना हाथ धोने चला जाता है और राहुल को भी कोई बुला लेता है। दोनों लंच बॉक्स वहीं रखे होते हैं। चुड़ैल ऊपर से उन दोनों को जाते हुए देख लेती है। मजा आ गया, ये दोनों ही यहाँ से जा रहे हैं, जब तक ये आएंगे मैं इनका पूरा खाना चट कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ से नीचे आती है और उन दोनों का पूरा लंच खा जाती है। उधर राहुल और मुन्ना वापस आते हैं। अरे राहुल भाई इतनी भूख लगी थी तो बता देते, कुछ और खाने को मंगा लेते, देखो तुम मेरा भी खाना खा गए। वाह एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मैंने कहा खाया लंच, मुझे तो किसी ने बुलाया था, मैं तो वहाँ गया था, पेटू खाना तूने ही खाया है। नहीं राहुल भाई मैंने तो नहीं खाया, मैं तो खुद अभी आया हूँ, लेकिन जब आपने नहीं खाया और मैंने नहीं खाया लंच खाया किसने? फिर दोनों हैरान परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कई दिनों तक ऐसा ही होता रहता है। उन दोनों का खाना चुड़ैल किसी न किसी बहाने से खा जाती, जिस वजह से राहुल और मुन्ना अक्सर भूखे रह जाते। अरे राहुल भैया ये क्या हो रहा है, रोज हमारा खाना कोई ना कोई खा जाता है, ये क्या हो रहा है, देखो ना कुछ ही दिनों में मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। हाँ मेरे लड्डू गोपाल, बस कमजोरी से तेरा 5 किलो वजन बढ़ गया है। अरे भैया मजाक छोड़ो और कुछ करो, इस तरह से तो हम रोज भूखे रह जाएंगे। फिर दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और अपने अपने लंच बॉक्स को पेड़ के नीचे छोड़कर छुप जाते हैं। दोनों का लंच बॉक्स रखा देखकर चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है। क्या बात है, इन दोनों के खाने की वजह से 2 फायदे हो गए, एक तो मेरा वजन बढ़ गया और दूसरा भरपेट खाना मिल रहा है। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों का लंच बॉक्स पकड़कर उन दोनों का लंच खाने लगती है। मुन्ना और राहुल ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे ये तो चुड़ैल है भाई, तो अब तक ये सारा खाना खा रही थी हमारा। हाँ मुन्ना ये चुड़ैल ही खाना खा रही थी हमारा, और हम लोग एक दूसरे पर शक किया करते थे, लेकिन मुन्ना अब इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएंगे, जिस तरह से ये हमारे लंच बॉक्स को चाट चाट कर खा रही है, मुझे लगता है ये हमारा पीछा नहीं छोड़।
लेकिन अपना खाने को खाता देखकर मुन्ना को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चुड़ैल से जाकर बोलता है, चुड़ैल बहुत हो गया तुम्हारा, बस अब जाओ यहाँ से और आगे से मेरा खाना नहीं खाना, नहीं तो। चुड़ैल को मुन्ना की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो मुन्ना को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। नहीं तो क्या कर लोगे तुम, शुक्र करो मैंने तुम्हारा लंच खाया है, नहीं तो अब तक तुम्हारी लाश पड़ी होती यही मोटू कहीं का। मुन्ना को चुड़ैल के शिकंजे में फंसा देखकर राहुल भी चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी माफ कर दो इसे, ये बच्चा है, इसे नहीं पता कि चुड़ैलों से कैसे बात की जाती है, हम आपकी सारी बात मानेंगे, बस बस मुन्ना को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तू समझदार लगता है लड़के। सुन पेटू, बचा लिया तुझे आज तेरे दोस्त ने। ऐसा कहकर चुड़ैल मुन्ना को जोर से फेंकती है, मुन्ना दूर जा गिरता है। ओ, 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 मर गया रे, मेरी कमर ही तोड़ डाली चुड़ैल ने। ओ मम्मी। सुनो दोनों कान खोलकर, मुझे तुम दोनों का लंच बहुत पसंद है और अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो रोज के रोज मुझे लंच ला कर दोगे। लेकिन चुड़ैल जी, हमारे पास तो एक ही लंच बॉक्स है, अगर वो आप खा लोगे तो हम क्या खाएंगे। हाँ ये तो है, लेकिन तुम डरो मत, उसका उपाय है मेरे पास। ऐसा कहकर चुड़ैल एक एक लंच बॉक्स उन दोनों को दे देती है। ये लो लंच बॉक्स, और अब से ये रोज तुम इसी पेड़ के नीचे रख देना, मैं आऊंगी और लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर दोनों चुड़ैल के लंच बॉक्स लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से दोनों चुड़ैल के लंच बॉक्स में खाना लेकर आते और उसे पेड़ के नीचे रख देते। चुड़ैल पेड़ से उतरती और लंच खाकर खाली लंच बॉक्स वहीं रख देती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मुन्ना राहुल से बोलता है, राहुल भाई, इस चुड़ैल की ब्लैकमेलिंग पर गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गुस्सा तो हमें भी आ रहा है यार, पता है हम तो घर में दो बार पिट भी चुके हैं ज्यादा खाना लाने की वजह से। मम्मी को लगता है जैसे हम कोई नशेड़ी वशेड़ी बन गए हैं, लेकिन ये चुड़ैल है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं होता कि उन दोनों के माँ बाप भी उन पर नजर रखे हुए हैं। सुषमा बहन देखो ना, रोज रोज राहुल ज्यादा खाना ले जाता है, क्या तुम्हारा मुन्ना भी ऐसा ही करता है। हाँ हमारा मुन्ना भी दो दो लंच बॉक्स ले जाता है, कहीं कोई बच्चे स्कूल में परेशान तो नहीं कर रहे हमारे बच्चे को। हाँ हमें बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, मैंने राहुल को भी बोला है कि कोई परेशानी हो तो बताओ, पर वो कुछ कहता ही नहीं। हमें तो गुस्सा आ गया और हमने तो सुताई कर दी उसकी। हाँ गुस्सा तो मुझे भी आया, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा, हमारे बच्चे ऐसे तो ना थे, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक दिन जब राहुल और मुन्ना घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, उन दोनों की माँ सरला और सुषमा भी उनका पीछा करने लगती हैं। राहुल और मुन्ना रोज की तरह चुड़ैल का लंच बॉक्स पेड़ के नीचे रख कर खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल नीचे आती है और लंच बॉक्स खाने लगती है। अरे सुषमा बहन, ये तो चुड़ैल है, हम तो अपने बेटे राहुल को फालतू में डांट दिए। सही कहती हो बहन, इन दोनों को इस चुड़ैल ने डरा रखा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे मुश्किल में आ जाएंगे। हमें बच्चों को बिना मतलब नहीं मारना चाहिए, पहले उनसे कारण पूछना चाहिए था। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं और अगले दिन राहुल और मुन्ना फिर से लंच बॉक्स लेकर निकलते हैं। चुड़ैल उनके हाथों से लंच बॉक्स लेती है और खाने लगती है। अरे मर गई रे, तुमने इसमें क्या मिला दिया, इतनी मिर्ची, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी, चुड़ैल से पंगा ले रहे हो तुम। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। तभी वहां सुषमा और सरला आ जाती है और चुड़ैल को झाड़ू से मारने लगती है। हमरे बिटवा को डरा रही थी, ये ले, का समझी थी हमको पता नहीं चलेगा। पागल औरत मुझे मारती है वो भी झाड़ू से, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमको मारने से पहले तू अपने को देख, जिस खाने को खाया है उसमें हमने तांत्रिक से मिला हुआ भभूत मिला दिया था, बस अब कुछ पलों में तू मर जाएगी चुड़ैल। और वैसा ही होता है, थोड़ी देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। अब डरो नहीं।